हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन के दिल में क्या अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। अगर आप लोग के बीच काफ़ी टाइम से डिस्टेंस आ चुका है, आपको नहीं पता आपके पर्सन अब क्या फील करते हैं आपके बारे में, आपके लिए उनके दिल में क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स क्या हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन क्या ऐसा हो सकता है, ब्रेकअप हुए हुए बहुत टाइम हो गया, आप लोग को अलहदा हुए हुए एक अर्सा गुजर गया सिचुएशन में, और आप नहीं जानते ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है, फिर भी ये पर्सन आपके माइंड में, आपकी सोचों में कहीं ना कहीं रहता है, आपको कहीं ना कहीं इसकी सोचों का ख्याल आ जाता है। ठीक है, चलिए। क्या आपके पर्सन के दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं आपके लिए? पीस माइंड एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के लिए क्या मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में अभी भी फीलिंग्स हैं? क्या वो इनके लिए फील करते हैं? फीलिंग ऑफ लव है? पीस माइंड एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। नाइन ऑफ वैंड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फोर ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ वैंड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं, लेकिन वो डिफेंसिव बहुत ज़्यादा रहते हैं, होल्ड बैक करते हैं, आपको बताते नहीं है। कोई डिसीजन मेकिंग करना है आपके पर्सन को, काफ़ी टाइम से उन्होंने वो डिसीजन मेकिंग की वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। वो आपके लिए फील भी करते हैं और वो आपकी तरफ मूवमेंट भी लेना चाहते हैं, आपको आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। इस सिचुएशन में वो रिकन्साइलेशन चाहते हैं, वो फील करते हैं, लेकिन कोई उनकी लाइफ में कोई पास्ट ट्रॉमा है जिसकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ फेस किया अपनी ज़िंदगी में, वो इमोशनली ओपन अप होने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे किसी तरीके का फियर नज़र आ रहा है उनके लिए कि वो आपके साथ रिकन्साइलेशन जो चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर बहुत सी चीज़ें होल्ड बैक करते हैं, वो आपको नहीं बताते, शो भी नहीं होने देते, वो आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपके साथ कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं आपके लिए, आपको लेकर उनकी लाइफ में बहुत कुछ है जिसको वो देख रहे हैं, वो आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ न्यू, लेकिन आपके पार्टनर को कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, ये पर्सन जानता है, ये आपकी तरफ इमोशनली आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत ज़्यादा क्लियर है इसको, अगर पास में क्लियर नहीं रहा है तो अब क्लियर है, ये आपको चाहता है अपनी लाइफ में, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा हील करते हैं, एक हीलिंग पर्सन है, आपकी सोच, आपका बोलने का तरीका, आपका इसको डील करने का तरीका, इसने आपने इसको बहुत ज़्यादा एक हीलिंग प्रोवाइड करी है, ये आपको बहुत इमोशनल नज़र से देखता है, एक मदरली फिगर में देखता है, जैसे मदर अपने बच्चों की केयर करती है, आपने वैसी केयर इसको दी है जितना ही ये डिफेंसिव रहा है उसके बावजूद भी। ठीक है, तो इसकी नज़र आपके ऊपर बनी रहती है, इसकी फीलिंग्स ये हैं आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ एक कनेक्शन को बनाना, आपके साथ यहाँ पर लॉन्ग टर्म कुछ करना, लेकिन उसके लिए इसको डिसीजन मेकिंग करनी है। क्लारिफाई नाइन ऑफ फ्रेंड्स, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में अभी भी फीलिंग्स हैं उनके लिए? पीस माइंड एंड स्पिरिट गाइड, उनकी सोच में वो अभी भी फील करते हैं मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, क्या उनको उनके लिए उनके दिल में अभी भी फीलिंग है या नहीं? बिल्कुल विक्ट्री चाहते हैं, मैं आपको कह रही हूँ अब विक्ट्री चाहते हैं। सिक्स ऑफ फ्रेंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है इस डिस्टेंस से, यहाँ पे जो भी हुआ है जिसकी वजह से भी हुआ है यहाँ पर वो हार्ट ब्रोकन है इस सिचुएशन को, वो चाहते हैं यहाँ पे जजमेंट कॉल, वो प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से, अगर कुछ यहाँ पर उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगे हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू सिचुएशन ख़राब हुई थी, किसी ने आपको मिस गाइड करा था, या तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को लेकर ट्रस्ट इशू थे, आपके पर्सन चाहते हैं यहाँ पर डिवाइन जस्टिस, यहाँ पर डिवाइन से प्रेयर करते हैं, यहाँ पर जजमेंट आए, कंफ्यूज हैं, जो डिसीजन मेकिंग करनी है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो करें या ना करें, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा विश विशेस उनकी, वो विश सिर्फ आपको करते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको विश करते हैं। यहाँ पे नाइन ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, आपको सोच सोच कर परेशान होते हैं, खुद को भी परेशान करते हैं और कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, किसी डिसीजन मेकिंग को लेकर कंफ्यूज हैं आपके पर्सन, उनको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, वो उस डिसीजन मेकिंग करने को जिस दिन रेडी फीलिंग्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, वो अपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे आपकी तरफ। ठीक है, जिस दिन उन्होंने इस कंफ्यूजन को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करा। ठीक है, यहाँ पर सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कुछ उनको दर्द है, जो डिस्टेंस आया, जो आप लोग के बीच चीज़ें जिस तरीके से एंड हुई, जो आर्ग्यूमेंट हुई, जो चीज़ें चलती रहीं, उनको उससे हर्ट है, हो सकता है वो भी गलत हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है आपको, आप उनका
एक जो उनका एक एक पर्सनालिटी जो उनकी उनकी आपकी तरफ प्रोजेक्ट हुई है वो हद से ज़्यादा नेगेटिव हुई है। इतने वो गलत नहीं हैं ना इतने वो नेगेटिव हैं, उनको आपके सामने बहुत गलत तरीके से पेश किया है किसी ने, कोई कोई मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच दूरी नज़र आ रही है। ठीक है, जो सिचुएशन एंड हुई है जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उसके साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो किसी ने आपको उसके लिए गलत बताया है, गलत गाइड करा है, मिस गाइड कर दिया किसी ने, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये पर्सन आपसे डिफेंसिव हो गया। आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन देखता है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है, देखिए विश इसकी इस पर्सन की विश हैं आप, ये विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है इस रिलेशनशिप को। सेवन ऑफ पेंटिकल, ये जानता है आप इसका वेट कर रहे हैं, अगर ये आपकी तरफ मूव करे तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन से। ठीक है, ये इस पर्सन से आपको किसी तरीके की कोई क्लैरिटी चाहिए, ये इस पर्सन की नज़र है, ये जानता है इसको डिसीजन मेकिंग करनी है, ये इसके सामने ये बात क्लियर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन की तरह देखता है, लेकिन यहाँ पर कोई एंडिंग है, जो आप दोनों ने बहुत ज़बरदस्त गंदी तरीके की एंडिंग फेस करी है। आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ये आपको देख रहा है कि आपका ध्यान अब इस पर नहीं है, आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ पे वर्क कर रहे हैं, आप स्टेबल पर्सन हैं, आपको कोई भी स्टेबल पर्सन ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकता है अपनी साथ ज़िंदगी में रिश्ता निभाने की, इस पर्सन को ऐसा लगता है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार लग रहा है किसी की नेगेटिव गाइड करने की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप इसके ऊपर इस वक्त ध्यान नहीं दे रहे, ना आप इसके बारे में सोच रहे हैं। नाइट ऑफ फ्रेंड्स, आप अपनी ज़िंदगी में किसी और तरफ चले जाना चाहते हैं, सिचुएशन को ख़त्म कर, इसको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं। बिल्कुल देखें, यहाँ पे किसी की वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ हुआ है, यहाँ पर किसी की मिस गाइड की वजह से आपका रिलेशन मिस किसी मिस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, आपने यहाँ से वॉक अवे किया है, क्योंकि आप पास में इस पर्सन के साथ एक मैरिज चाहते थे, आप कब से एक मैरिज डिमांड कर रहे थे, आप किस कब से इसके साथ अपनी मैरिज अपनी लाइफ हर चीज़ डिमांड कर रहे थे, सडनली आपको कुछ इसके बारे में पता चला और आपने इसको अपने इमोशंस देना बंद कर दिए, सिचुएशन से वॉक अवे करने का सोच लिया। आपको ये अपने सोलमेट की तरह लगता था, ये पर्सन आप इस पर्सन के दोस्त भी रहे हैं, ज़्यादातर ये दोस्ती का रिश्ता रहा है, शायद मुझे लग रहा है यहाँ पर फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक एम्परर की तरह, ये एम्प्रेस भी आया था यहाँ पर, आप लोग काउंटर पार्ट हो सकते हैं एक दूसरे के, ये पर्सन एम्प्रेयर की तरह अपने तरीके से हर चीज़ को मूव और चलाना चाहता रहा। ठीक है, और आप मैनिफेस्ट करते रहे इस पर्सन को, ये कंफ्यूज रहा, इसके पास बहुत ज़्यादा अपनी क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी प्रायोरिटीज़ थी, इसको प्रायोरिटाइज नहीं करने आया कि आपको किस तरीके से इसने इनफ ना टाइम दिया, इनफ ना चीज, आपकी दोस्ती से स्टार्ट हुआ है रिलेशनशिप, आप इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव रहा है, इसने आपके ऊपर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा है, वक्तन फावक्तन इसने आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करी है। ठीक है, और उसमें फिर इसकी ज़िंदगी में बहुत सी ज़्यादा प्रायोरिटी थी जो आपको समझ में नहीं आता था ये करता क्या रहता, और आप हमेशा काफ़ी टाइम से इससे आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव रहे हैं, आप इसको मैनिफेस्ट करते रहे कि आपकी लाइफ में आए, इस सिचुएशन को हील करें, यहाँ पर पॉजिटिविटी आए, यहाँ पर आपको हीलिंग, आपको लगता था ये पर्सन आपको हील करेगा जब भी आपकी लाइफ में आया, और आप इसको बार बार मैनिफेस्ट करे जा रहे थे कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आए, इस सिचुएशन में इस वक्त ये पर्सन हीलिंग करना चाहता है और इस वक्त ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव हो रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा आपसे लगाव फील करता है, इसकी ज़िंदगी आपसे ही शुरू और आपसे ही ख़त्म होती है, कुछ एंड हुआ हुआ है आप लोगों के बीच, फाइव ऑफ कप्स फीलिंग ऑफ लॉस है, एक डिस्टेंस है, इस पर्सन को भी क्लैरिटी है आप इसके लिए हैं और इसको आपको भी क्लैरिटी है आप इसके लिए हैं, आपका और इसका रिलेशनशिप एक कंप्लीट रिलेशनशिप बन सकता है, बहुत ज़्यादा पैशंस अपने होल्ड बैक करता है, बहुत ज़्यादा ना बताता है अपने पैशंस को आपको, ना आपके 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 साथ अपने पैशंस डिस्कस करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इसने जो वक्त था इसने वो गवा दिया अपने अपने ईगोस्टिक नेचर में, अपने तरीके से चीज़ों को चलाने में, अपने तरीके से इसने बहुत कुछ यहाँ पर मैच क्रिएट कर दिया, ये बात जानता है, इसने सब कुछ बिखेर दिया, जितना यहाँ पर पोटेंशियल था इस सिचुएशन में इसने वो वक्त ज़ाया कर दिया इस सिचुएशन का। अब हम देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या एडवाइस है इस पर्सन के लिए, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज माय डिसन स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर को इस इधर क्या करना चाहिए, इसके पास बहुत ज़्यादा पैशंस हैं आपके लिए, इमोशनल भी बहुत है, एक पैशनेटिव भी बहुत है, आपको अपनी लाइफ में ये
बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है इस वक्त, इसके पैशंस बहुत ज़्यादा, एक अब एक पैशन इग्नाइट होता है ना, वो पैशन इग्नाइट हो रहा है इसकी लाइफ में। ये अपनी लाइफ में इसको आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई और नहीं दिखता। आपके अंदर एक ब्यूटी से भी मेस्मराइज है। आपकी जो हर अदा है, आपका जो हर तरीका है इसे इसे बात करने का या इसको प्रोटेक्ट करने का, अगर आप मेल हैं कोई, जिस तरीके से आप प्रोटेक्ट करते हैं, जिस तरीके से आप एक इसका साथ देते हैं, जब आप इससे कोई इसको एक प्रोटेक्शन देते हैं, इसको बहुत पसंद आता है वो। ठीक है, यहाँ पर है हार्वेस्ट। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में आप जो कर रहे हैं करते रहें, बिजी रहें। ठीक है, आपको बिजी रहने का यहाँ पर मैसेज है। फायर मैजिक, ठीक है, इसके अंदर मैंने कहा कोई पैशन इग्नाइट हो रहा है, कोई ना कोई एक फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है आपके लिए, इसके लिए इसके पास बहुत ज़्यादा पैशंस आपके लिए बन रहे हैं। कनेक्ट विद गाया, आपको डाउन टू अर्थ रहना है, और जो काम कर रहे हैं आप करते रहें। जो यहाँ पर ये बिगनिंग लाना चाह रहा है, ये वर्क करेगा, उसको उसको समझ कर आपकी तरफ आएगा। मेडिटेशन टू डाई डीप, आपको आपको मेडिटेशन करनी है अपने लिए, और अपने अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करते रहना है। ठीक है, चेंज एंड प्रोग्रेस, आपकी सिचुएशन में चेंज और प्रोग्रेस आ रही है। पर्सन फील करता है, बहुत ज़्यादा फील करता है, लेकिन पास से ज़्यादा अब फील कर रहा है लव आपके लिए। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप रेस्ट करें, आप रिलैक्स करें, और आपको यहाँ पर रेस्ट की ज़रूरत है। एक्सेप्ट लव, पास में ये पर्सन ऐसा हो सकता है आप लव एक्सेप्ट ना कर रहा हो, लेकिन एक्सेप्ट कर रहा है, ये लव किसी ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज के थ्रू गुजर रहा है। इस मैंने कहा यहाँ पर अब पैशन इग्नाइट हो रहा है, पास से ज़्यादा अब इसको आपकी अर्ज, आपकी वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। जो ये पैशन फील कर पाता है, इसको समझ में आ रहा है ये कितना अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, ये किस नज़र से आपको देखता है, इसका इसका देखने का तरीका, ये सोचता है कि इसको बार बार ऐसा फील होता है कि आपके साथ इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके किस्म की लाइफ होती अगर ये स्टार्टिंग से सिचुएशन को उस नज़र से देखता, आपको एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखता। मैं आपको बताऊँ, उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में मेल है तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स रही हैं, फीमेल है तो बहुत ज़्यादा मेल्स रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा काम रहा है, मेल है तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके करियर से जुड़े हुए, इसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं, इसका ध्यान बहुत ज़्यादा अपनी उन चीज़ों को भी लेकर रहा है। तो ये बहुत कन्फ्यूज़ रहा है, इसने आपको इतनी वैल्यू नहीं दी, इसने वो वैल्यू दी जो इसकी ज़िंदगी को फाउंडेशन बनाती थी। इसने बोला लव वर्क तो चलता रहेगा, लेकिन इतनी देर में आपकी गाड़ी निकल गई कि आपने इसके साथ जो आप वो जो आप इसके साथ आप इसके प्लान से आप इसके साथ इसके प्लान के थ्रू चल चल कर थक गए थे। आप इसके जो आपको कंट्रोल करता था, आप उस कंट्रोलिंग सिचुएशन से थक चुके थे, आपने यहाँ से अपने आप को डिटैच कर लिया। ठीक है, आपने यहाँ से खुद को इससे आज़ाद कर लिया। जब ये रहता था तब भी आपकी ज़िंदगी में आपको वो प्रोवाइड नहीं कर सका जो आपको चाहिए था, ना फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन था, ना आपको लव फील करवाना, ना आपसे उस तरीके से, ना आपको टाइम देना, ना आपको उस तरीके से बात करना। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अपने अंदर का प्यार आपके लिए जो इसके अंदर था, लेकिन अब एक्सेप्ट कर रहा है। एक पैशन इग्नाइट हो रहा है, एक फायर आपके रिलेशनशिप में बन रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आ रही है, आपकी फायर थोड़ी कम हो चुकी है, आपके अंदर जो अट्रैक्शन थी वो दब चुकी है, जो पास्ट में जो स्टार्टिंग में रही है, जिस आप तरीके से इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाह रहे थे, जिस तरीके से आप इसको आगे ले जाना चाह रहे थे, वो चीज़ थोड़ी सी मुझे आप में आप थोड़ी सी उसकी कमी नज़र आ रही है, वो फोकस कम नज़र आ रहा है। आपने अपने आप को फोकस बना लिया, अपनी लाइफ को फोकस बनाया हुआ इस वक्त। ठीक है, वेट तो कर रहे हैं आप, लव करते हैं, लेकिन वो वाली अर्ज फील नहीं होती, ये ना हुआ तो मैं मर जाऊंगी, ये ना हुआ तो मैं आगे चल नहीं पाऊंगी, ये ना हुआ तो मैं आगे क्या करूंगी। अब आपके पास आपका जो एक फोकस था वो चेंज हो चुका है, आपकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, आपके पास जीने के लिए बहुत सी वजहें हैं। एक एग्जाम्पल, अगर आप पहले आप सोचते थे मैं इसके बिना जी नहीं सकती, तो अब वजह कुछ और बन चुकी है, आप अपनी लाइफ में कहीं और फोकस भी कर रहे हैं, आपका फोकस बदला है, तभी इस पर्सन का फोकस आपकी तरफ आया है। ठीक है, हम यही चाहते हैं, आपको बार बार जो गाइड करते हैं रीडिंग्स में, यही करते हैं गाइड, जो निकल कर आज आया है। आप लोग जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं, आप लगे रहे हैं अपने काम पर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, बस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करें दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इंस्टाग्राम में आपको बड़ी ज़बरदस्त रील मिलेंगी जो शॉर्ट रीडिंग्स पे होती हैं। ठीक है, थीके? तो वहाँ पर आपको जाना है चैनल के अबाउट में, एक लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट मेरे अकाउंट तक पहुँचेंगे, या तो आप लोग कम्युनिटी सेक्शन से भी कर सकते हैं। थैंक यू।